ये क्वेश्चन रीड कर लो, रीड कर लिया, देख लो, पॉज करके रीड कर लो क्वेश्चन को, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है, 0.001 kg, करेक्ट है। तो इस मास पर यूनिट लेंथ को 0.001 kg/m, ठीक है, म्यू की वैल्यू, और यहां से यहां तक की लेंथ है 1 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, करेक्ट है, और हैंगिंग वर्टिकली शोइंग स्मॉल पल्स इज जनरेटेड एट इट्स लोअर एंड, द पल्स रीचेज द टॉप एंड, ये लोअर एंड है और ये टॉप एंड है, ठीक है, कितने टाइम में पहुंचेगी। तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने वेव वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एक पुली बनाया था यहाँ पर, ठीक है, ये वॉल है, ये सरफेस है, और यहाँ पर एक थ्रेड जो है कनेक्ट किया था और इसके साथ हैंग किया था एक मास को, कैपिटल एम मास, तो अर्थ इसको खींचेगी एम जी फोर्स लगा के, थ्रेड में टेंशन होगा टी और टेंशन यहाँ पे भी टी, इसको अगर प्लग किया जाएगा तो इसमें एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी, ठीक है, उसकी स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इसमें कितना होगा, टी अपॉन म्यू, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, अगर इस थ्रेड का पूरे का मास स्मॉल एम कंसिडर किया जाए और इस पूरे थ्रेड की लेंथ स्मॉल एल कंसिडर किया जाए तो एम अपॉन एल हो जाता है म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट है, और थ्री इस थ्रेड में टेंशन है, और ये अगर ये इक्विलिब्रियम है, ये रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस बात है थ्रेड में टेंशन जो होगा वो एमजी के इक्वल होगा, और ये वैल्यू यहां रखी जा सकती है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू की जगह कैपिटल एम जी अपॉन म्यू, ये रखा जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर कोई ब्लॉक कनेक्टेड नहीं, ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्रेड का मास जो है वो हैंग है, सीलिंग के साथ हैंग है, तो मास जो है लगातार बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, इंक्रीज करता जाएगा, यानी एज्यूम करो कि अगर y इक्वल टू यहां 0 है तो यहां y इक्वल टू l होगा, l मीन्स 1 मीटर के इक्वल होगा, तो थ्रेड में टेंशन लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, वो वेरी कर रहा है, थ्रेड में टेंशन कॉन्स्टेंट नहीं है, जैसे इसमें था, इसमें थ्रेड कॉन्स्टेंट था, लेकिन इसमें थ्रेड कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो थ्रेड में जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा म्यू इंटू वाई इंटू जी के इक्वल, करेक्ट है, म्यू इंटू वाई इंटू जी, तो म्यू की वैल्यू 0.001, y की वैल्यू अभी वेरी करेगी, ठीक है, y 0 टू l तक वेरी करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू जी, जी की वैल्यू 10, तो ये कितना आएगा टोटल, अगर मैं देखूं तो 0.01 y, या t इज इक्वल टू y बाई 100, करेक्ट है, थर्ड में टेंशन y बाई 100, और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है, v को क्या लिख सकते हैं, dy by dt, और t की वैल्यू क्या दी हुई है, y by 100, और μ की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये वैल्यू भी रख दें 0.001, तो dy by dt की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में y by कितनी आएगी, 0.01 आएगी, करेक्ट है, सही, इसको आप क्या ले सकते हो, 10 to the power minus 2 लिख सकते हो, 10 to the power minus 2 लिख सकते हो ना, या आप इसको 10 to the power minus 2 सही लिख रहे हैं ना, गलत नहीं लिख रहे हैं, वो चेक कर लो, अच्छा नहीं, ये वन वाई बाई 100 है ना, तो ये कर दो, इसको ठीक कर दो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दो, ये 100 नीचे आएगा ना, ये हो जाएगा 0.1, करेक्ट है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.1 होगा, 0.1 का मतलब 10 root y होगा, तो dy by dt, ये t है, dy by dt v को मैंने लिखा है, तो dy by root y is equal to root 10
टी होगा, डी टी करेक्ट है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट यहाँ कर दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बेंड हो गया ठीक है, जो मैं लिख रहा था उसको थोड़ा सा, रूट टेन डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू एल तक, एल क्या है 1 मीटर है ना, 1 मीटर, तो लिमिट इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, ये इंटीग्रेट करेंगे 0 to t सेकेंड तक, तो चेक कर लेते हैं क्या होगा, वाई पे पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू रूट टेन, ये आएगा टी 0 to t, ये होगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, कितना आएगा -1/2 - 2/√y ब्रैकेट में 0 to 1 इज इक्वल टू रूट टेन टी, अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 1 की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये प्लस होगा, -1/2 + 1 ठीक है, ये भी +1/2 ठीक है, +1/2, इसको थोड़ा सा करेक्शन हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये क्रिएट किया +1/2 होगा और 2√y होगा, √2 2√y होगा, लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिमिट रखेंगे तो 2√1 - 2√0 इक्वल टू रूट टेन टी, या वाई इक्वल टू 2/√10 आना चाहिए, 2/√10 ऑप्शन में है क्या, ये आ रहा वाई की वैल्यू नहीं, सॉरी टी की वैल्यू है ना, यहाँ टी होना चाहिए, टी होना चाहिए, मैंने वाई लिख दिया करेक्ट है, चलो ऑप्शन करेक्ट, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।